वेलकम टू माय चैनल अप्रिश डिजिटल स्कूल। और आज हम सीखने वाले हैं मॉन्स्टर ट्रक मॉडलिंग। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने यहाँ पर ये जो रेफरेंस इमेजेस है इनको फोटोशॉप में क्रॉप करके इनको यहाँ पर मैंने एडजस्ट किया है। जैसे मैंने फ्रंट व्यू में फ्रंट इमेज को प्लेस किया है, साइड व्यू में साइड इमेज को और टॉप व्यू में टॉप इमेज को प्लेस किया है, और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, और अभी हम इसको मॉडल करना शुरू करेंगे। तो इसमें हम पहले इसके टायर बनाएंगे। ओके, पार्ट्स में इसको हम बनाएंगे। तो पहला जो पार्ट हम डिज़ाइन बनाएंगे या मॉडल करेंगे वो टायर है। तो टायर को हम बनाना शुरू कर देते हैं। ओके, तो टायर को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप टोरस है ओके, या फिर क्रिएट में जाके पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स, यहाँ से हम इसको टोरस को लेंगे। ये आ गया टोरस, इस तरह से दिखता है टोरस। ओके, और फिर यहाँ पर इनपुट्स। ओके, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और सबडिविजन हाइट जो है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे। ओके, उसको हम रिड्यूस करेंगे, एंड ये जो सबडिविजन एक्सिस है उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। विल इंक्रीज द नंबर्स 32, विल डू 32। ओके, और एक बार चेक करते हैं इसके अल्टरनेट नंबर, ये सिलेक्ट करके एक ऐसे, तो से दिस लेट्स सी, यस। ओके, तो ओके, अभी इसको हम एडजस्ट करेंगे। जैसे टायर है तो इसको हमने रोटेट किया कौन से एक्सिस में, जी एक्सिस पे इसको रोटेट किया। तो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल में इसको रोटेट करेंगे, और यहाँ पर कोई भी एक टायर फ्रंट या बैक जो भी है ना, तो उसको हम यहाँ पर लेके आएंगे ऐसे, और फिर इसको स्केल डाउन करेंगे। ओके, इस तरह से स्केल डाउन किया। ओके, और फ्रंट व्यू में जाके देखेंगे तो फ्रंट व्यू में ये यहाँ पर है, तो इसको ये जो मूव टूल है, मूव टूल से हम इसको यहाँ पर लेके आएंगे, और फिर इसको हम ऐसे स्केल करेंगे एग्जैक्टली। एंड यहाँ पे थोड़ा सा ये है, तो सिलेक्ट दिस एंड सिलेक्ट दिस, डबल क्लिक करके इनको सिलेक्ट करके थोड़ा सा मैं ऐसे ये करूँगा, थोड़ा सा इसको शेप दूंगा। ओके, हर एक ओके ऐसे कुछ मैंने बनाया, तो ये टायर का जो शेप है इस तरह से दिख रहा है। ओके, उसके बाद ये जो है और इसके अंदर का ये, इन दोनों को बाहर की तरफ खींचेंगे थोड़ा सा ऐसे। ओके, नाउ या ये जो है वायर फ्रेम ऑन शेडेड। ओके, इसको ऑन करेंगे और यहाँ से हम शुरू करेंगे। ओके, यहाँ से शुरू करेंगे सिलेक्शन, इस तरह साइड व्यू में जाके विल डू दिस सिलेक्शन। सो लेट्स, ये सिलेक्शन टूल लिया और इस तरह से मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। अल्टरनेट करना है मैं गलती से, ऐसे सिलेक्ट करेंगे। ओके, ऐसे सिलेक्ट करने के बाद विल चेक इट, लाइक कहीं पे कुछ गलत तरीके से सिलेक्शन नहीं हुआ है या ओके, सिलेक्शन परफेक्ट है। ओके, नाउ इसको हम एक्सट्रूड करेंगे, तो यहाँ पे एक्सट्रूड, और ये जो ब्लू हैंडल है इसको सिलेक्ट करेंगे जी एक्सिस। ओके, तो इसको इस तरह से स्केल किया। ओके, एंड यस। ओके, तो ये शेप इस तरह से दिखेगा। नाउ व्हाट विल डू इज विल सिलेक्ट दिस एज, ये तीन एजेस को भी सिलेक्ट करेंगे और इनको हम ऐसे रोटेशन देंगे। तो इसको इस तरह से मैंने ये किया, शेप डिज़ाइन किया इस तरह से। ओके, और फिर तीन प्रेस करके देखेंगे तो ये कैसे दिखता है। थ्री प्रेस करके देखा तो ये ऐसा दिखना शुरू हो गया, विच इज़ गुड, अच्छा दिख रहा है ये। ओके, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको ये करेंगे, तो मैं इंसर्ट एज लुक टूल लूँगा। ओके, और यहाँ पे क्लिक करेंगे और सेम यहाँ पर भी हम इसको क्लिक करके
चेक करेंगे कि कैसा दिखता है वो शेप. नाउ विल सी एंड यस इट लुक्स नाइस. ओके नाउ अभी क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर देते हैं, इसको सिलेक्ट कर देते हैं और इस तरह से थोड़ा सा इसे ठीक है. अभी यहाँ पे हम इसका रिम बनाएंगे, तो ये जो रेफरेंस है इसका ये जो है ओके, इस तरह से हमको रिम को डिज़ाइन करना है. तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो स्पीयर है इसको स्पीयर को लेंगे ओके. यहाँ से हम इसकी जो वैल्यूज़ है मैं 16 कर देता हूँ, कम रखेंगे ज्योमेट्री और फिर साइड व्यू में जाके इधर से इसको मैं इस तरह सिलेक्शन कर आधा कर दूंगा ओके. और थोड़ा सा कर देते हैं आधा और उसके बाद ओके. अभी ये यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट है ना, तो मॉडिफाई सेंटर पिवट ओके. और फिर इसको रोटेशन करेंगे इस तरह से 90 डिग्री, -90 ओके, -90 ऐसे किया ओके. हुआ ही नहीं क्या, अभी किया ओके. और फिर इसको इधर ला के रखेंगे. ऑफकोर्स ये कहाँ पर है देखो, इधर इसको हमें इधर लाना है ऐसे और इसको सी थ्रू करेंगे कैसे, शेडिंग में जाके एक्सरे ओके. और इसको भी एग्जैक्टली सेंटर में रखेंगे उस टायर के ऐसे और फिर इसको स्केल डाउन करेंगे हम ऐसे. कुछ किया हमने, इसको इधर लेके आएंगे ओके. एंड देन ये स्केल से इसको ऐसा थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाएंगे. सीरियस इसको ऐसे किया मैंने, ऐसा अंदर लेके गया ओके. और फिर ये ब्लैक दिख रहा है तो इसको हमको रिवर्स करना है ओके. रिवर्स रिवर्स नॉर्मल्स करेंगे तो कहाँ पर है ऑप्शन, मेश डिस्प्ले के अंदर रिवर्स, इसको रिवर्स किया. और अभी क्या करेंगे पता है, सिलेक्ट दिस फेसेस, ऐसे सिलेक्ट किया और इसको हम एक्सट्रूड, ऐसे एक्सट्रूड किया ओके. मे बी ये जो एजेस है इनको भी सिलेक्ट कर देते हैं ऐसे ओके. तो ये देखो कंटिन्यू सिलेक्ट किया ऐसे, इसको भी सिलेक्ट करके ये जो ब्लू हैंडल है ना इसको सिलेक्ट खींचेंगे ऐसे बाहर की तरफ, तो ऐसे बाहर की तरफ वो थोड़ा सा आएगा ओके. तो ऐसा गया, तीन प्रेस करके देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा ओके. तो यहाँ पर है ना वैसा, थोड़ा सा अंदर के साइड में थोड़ा सा शार्प दिखाएंगे क्योंकि वहाँ पर भी शार्प है. तो कैसे शार्प करेंगे उसको, तो वहाँ पर हम एक एज ऐड करेंगे इधर इधर ओके. तो मेश टूल इंसर्ट एज लूप टूल और यहाँ से मैंने इसको ऐसे एक एज डाला और जब एज डालेंगे एंड तीन प्रेस करके चेक करेंगे तो अभी वो देखो शार्प आना शुरू हो गया, एकदम शार्प दिखेगा. थोड़ा सा इसको और अंदर ला के प्लेस कर देंगे तो उसके अंदर फिक्स है ऐसे दिखेगा ओके. नाउ अभी क्या करेंगे, तो अभी ये देखो ये जो पार्ट है ये है ना, ये हमको करना है, इसी के अंदर से हम करेंगे. तो चलो जा करते हैं इसको ओके. तो मैंने क्या किया, ये जो है ये पूरे इस तरह से सिलेक्ट किया इनको ओके. वी कैन इंक्रीज, इसको स्केल कर सकते हैं बड़ा जैसा वो शेप है अंदर का, और इसको हमको बाहर की तरफ खींचना है. तो क्या करेंगे, इसको एक्सट्रूड करेंगे हम इस तरह से, हमने इसको एक्सट्रूड किया ओके. और एक्सट्रूड करने के बाद अभी ये जो अंदर का पार्ट है ओके, दिस थिंग ओके, तो सिलेक्ट दिस ओके. और एक चीज़, यहाँ पे जो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं 1 2 3 ना, तो हमको ट्रायंगल्स नहीं चाहिए, तो यहाँ से ये जो है इनको हम हटा देंगे, विल रिमूव दिस एंड डिलीट ओके. और फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करके एक्सट्रूड अंदर की तरफ लेके जाएंगे और एक बार एक्सट्रूड बाहर की तरफ लेके आएंगे ऐसे किया मैंने. तीन प्रेस करके चेक करेंगे कैसे दिखता है ये ओके. तीन प्रेस करके चेक करते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा
ओके ये भी शार्प चाहिए थोड़ा सा, तो अगेन वी विल ऐड एज वो देर। सो सी दिस, गो टू मेश टूल, सिलेक्ट इंसर्ट एज लूप एंड यहाँ से हम एक एज ऐड कर देंगे और चेक करेंगे। तो ओके ऐसे दिख रहा है ये। ओके और इसके ये जो है, वी विल सिलेक्ट दिस फेसेस को बाहर की तरफ और खींचेंगे। ओके एक एक्सट्रूड दे देते उसको, तो एक शेप मिलेगा उसको, और फिर वी कैन इसको बाहर की तरफ खींच सकते थोड़ा सा, है तो ऐसे रखेंगे। हाँ ये बेटर लग रहा है। ओके ये आपके ऊपर है आपको कैसा शेप चाहिए। ओके आई सेलेक्ट दिस एज, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाते हैं तो वो राउंड आएगा उसको शेप। ओके तो दिस इज हाउ, इस तरह से दिखेगा। अब ये जो नट्स है, ओके तो इसके लिए हम क्रिएट में जाएंगे, पॉलीगॉन में जाएंगे और यहाँ से हम लेंगे, वेयर इज दैट ऑप्शन, ओके क्रिएट पॉलीगॉन में जाके गेयर 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 ये लेते हैं। नहीं गेयर नहीं, गेयर नहीं, सॉरी गेयर नहीं, अच्छा नहीं दिखेगा वो, ये लेते हैं अल्ट्रा, नहीं नहीं सॉरी 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 गलती किया मैंने। हम क्या करेंगे, सिलेंडर को ही लेंगे और सिलेंडर के जो डिवीजन इसको कम करेंगे, ऐसे रखेंगे इसको और फिर इसको हम रोटेशन देंगे, रोटेशन 90 डिग्री। फिर इसको इधर लेके आएंगे एंड यहाँ पर हम इस जहाँ पे स्क्रू जैसा है वहाँ पे इसको हम प्लेस कर देंगे। अब ये कहाँ पर है देखो, इसको इधर लेके आते हैं। ऐसे किया, ऐसे रखेंगे इसको। अभी इसको तीन प्रेस करके देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, देखो सर्कल बन जाएगा वो, है ना। क्या करेंगे, इसको ऐसा ही शेप रहना चाहिए उसका। सो व्हाट विल डू, पहली बात तो मैं इसको आइसोलेट करता हूँ, एक मिनट, ऐसे आइसोलेट किया। ओके और ये जो उसके अंदर के जो फेसेस है अननेसेसरी है ना, वो नहीं चाहिए, वो दिखने वाले भी नहीं है, तो इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे हम। ओके और ये सारे एजेस सेलेक्ट करेंगे एंड इनको हम करेंगे बेवल। ओके तो बेवल करने का देखो ऐसे दिख रहे हैं। ओके से इसको जूम करेंगे, इसका फ्रैक्शन कम करेंगे। ओके एंड विल ऐड अ सेगमेंट, वन सेगमेंट विल ऐड, ज़्यादा नहीं। ओके एंड यस, तो ये ऐसे ही रहेगा ये शेप, देखो एक एक नट बोल्ट जैसा दिखेगा वो। और चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, इनको 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 ऐसे सिलेक्ट करके थोड़ा सा एक्सट्रूड करके बाहर की तरफ खींचेंगे। ओके तीन प्लेस कर देंगे, ऐसे ऐसे दिखेगा, बट ये गंदा लग रहा है ना, एक मिनट, नहीं अच्छा लग रहा है, मैं इसको नहीं रखता हूँ, ऐसे अंडो कर देंगे इसको, विल कीप इट एज इट इज़, जैसे है वैसे ही रखेंगे। या फिर थोड़ा सा एक काम करते हैं, ये पूरा सिलेक्ट करते हैं और इसको बाहर निकालेंगे। ओके किधर गया, ओके एफ प्रेस करके इसके ऊपर जूम करेंगे और इसको इतना पार्ट को हम बाहर की तरफ, ओ सॉरी सॉरी गलती हो गया, देखो क्या हो गया, पीछे के भी पार्ट सिलेक्टेड है। ओके तो वो गलती नहीं करना कभी, ऐसे करेंगे और एक्सट्रूड ऐसे करेंगे। नॉट हैप्पी नॉट हैप्पी, इसको स्केल डाउन करेंगे एंड देन विल जस्ट वन मोर टाइम विल एक्सट्रूड इट लाइक दिस, तो ऐसा एक शेप मिलेगा हमको। ओके एक नट बोल्ट के जैसा और ये ऐसा शेप मिलेगा, यस ऐसा ही चाहिए हमको। और फिर अभी इसको हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। ओके कंट्रोल डी, ये इधर लिखे हुआ क्या डुप्लीकेट, लेकिन हुआ हुआ। ओके वायर फ्रेम ऑन सिलेक्ट ऑन करेंगे तो पता चलेगा, कंट्रोल डी इसको लेके आए इधर,
कंट्रोल डी, कंट्रोल डी एंड यस, सो हमारा टायर बन गया। ओके okay? इस तरह से हमने ये टायर थोड़ा सा, इधर देखो गैप दिख रहा है, सो व्हाट विल डू इज ओके सेलेक्ट एवरीथिंग लाइक दिस, मॉडिफाई फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इनको साथ में स्केल करेंगे तो क्या होगा, स्केल नहीं होगा ठीक से, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ग्रुप में पुट करेंगे। ओके okay? ग्रुप में कंट्रोल जी कर देते हैं और फिर इसको बड़ा कर देंगे। अभी परफेक्टली ओके, विंडोज आउटलाइनर मॉडिफाई सेंटर पिवट एंड देन जस्ट टेक इट लिटिल बैकवर्ड, यस ओके। और फिर इसको हम अनग्रुप कर देते हैं, एडिट अनग्रुप ओके, क्योंकि हम पूरे टायर का एक ग्रुप बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको अनग्रुप किया। तो सिलेक्ट दो लाइक पूरे टायर को सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको ग्रुप करेंगे, और विल नेम दिस टायर, ऐसे नाम दिया मैंने। अभी ये जो ग्रुप है इसका हम डुप्लीकेट कर देंगे। ओके पहली बात इसका सेंटर पॉइंट देखो कहाँ पर है। ओके तो लेट इट बी जहाँ पर है वैसे रखेंगे, कंट्रोल डी और फिर इसको इधर लेके आए से। ऑलरेडी एक ग्रुप सिलेक्टेड है, इसको अभी और एक डुप्लीकेट करेंगे, कंट्रोल डी और ए एक्स है ना, तो यहाँ पे इसको माइनस वन कर देंगे। ओके तो सी दिस, ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री। ओके तो ग्रुप वन को सिलेक्ट करके विल डुप्लीकेट दिस, तो वो ग्रुप फोर बन जाएगा और उसको भी माइनस वन। और एंड नाउ इफ यू सी हमारे इसके टायर्स बन गए हैं। ओके सी दिस टायर, आर टायर्स आर रेडी। ओके नाउ इसको सेव कर देते हैं फाइल को, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट सेशन में हम ये जो पार्ट है कार का, ओके तो दिस पार्ट विल वर्क ऑन दिस पार्ट, ये पार्ट हम किस तरह से बना सकते हैं। ओके तो सी यू इन नेक्स्ट सेशन।